दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, आपके बालों में डेंसिटी जो बालों की है वो लगातार कम हो रही है और आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आप कहीं ना कहीं गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, तो आज की जो रेमेडी है वो आपके लिए काफी फायदेमंद है। उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे दोस्तों कभी भी आप कोई भी होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि एक ही बार में रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़े समय तक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ बालों के मामलों में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप उसको एक महीने लगातार करते हैं तो यह डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो आपके बाल कमजोर हो रहे हैं या दो मुहे हो रहे हैं तो उनका टेक्स्चर भी सही करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है अलसी के बीज और उसे डेढ़ ग्लास पानी में आपको इसे बॉईल करना है। जब इसमें झाग बनने लगे तो उस झाग को या उस पानी को आप छान कर रख लें और उसे एक बोतल में भर लें, अगर ज्यादा हो गया हो, नहीं तो आप जब भी इसको हफ्ते में यूज करते हैं, लगाते हैं, तो तुरंत आप इसको बना लें। बहुत ही आसान सा ये मेथड होता है। यदि आप इसका जो आपने जेल बनाया है उसको आप रूट से अपने बालों में लगाएं, साथ ही साथ बालों की पूरी रूट के साथ आप स्कैल्प में अच्छे से लगाएं और आप अपने बालों में कम ये एक हफ्ते में जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा लगभग एक महीने तक लगातार करते हैं तो यह आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि जब आप इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी आप होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं करना है। मान लीजिए आप कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको कंडीशनर का भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ घर की ही चीजों का इस्तेमाल करना है। यदि आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे साथ साथ होम रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों चीजों का जो मिक्सचर होगा वो कोई भी एक चीज आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए आप अगर घर की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल कीजिए और देखिएगा कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी, आपके बालों में शाइन आएगी या ये कहा जाए कि आपके बालों में नई जान आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।